प्रतिष्ठित हो रहे हैं, ताली बजती रहनी चाहिए। फोटोग्राफी 15,000 रुपये की राशि का चेक, प्रशस्ति पत्र और बुके के साथ श्रीमती चंदना दत्त शिक्षिका सम्मानित हो रही हैं। श्रीमती निशी कुमारी शिक्षकों और अभिभावकों के बीच आईसीटी के उपयोग से रुचिकर पढ़ाई कराने के लिए जानी जाती हैं। लेखन में बहुत ज्यादा अभिरुचि है। इनके द्वारा लिखे गए लेख कई स्तर पर प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने सदा ही छात्राओं के सभी सम्मानित शिक्षकगण और हमारे मीडिया के साथियों, आप सब जानते हैं कि हम लोग आज इस प्रदेश के जो हमारे प्रतिभावान शिक्षक हैं, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से न सिर्फ शिक्षा विभाग का नाम ऊंचा किया है, बल्कि पूरे देश में अपने प्रदेश का भी गौरव बढ़ाया है, इसलिए सबसे पहले हम उन तमाम शिक्षकों को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। आप सबको मालूम है कि आज का दिन 5 सितंबर का शिक्षक दिवस, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उनके जन्म दिवस होने के कारण ही मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कई क्षेत्रों में उनकी विशेष उपलब्धियां रही हैं। एक महान शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे, और सबसे जो बड़ी बात थी, या यूं कहें तो अपने सेल्फ अप्रेजल में भी हमें लगता है कि जो अपने अंदर सबसे बड़ा गुण या सबसे बड़ी विशेषता वो खुद समझते थे, वो उनका वही गुण या वही व्यक्तित्व था कि वो एक लंबे समय तक एक ख्याति प्राप्त शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। और मैंने जब ये बात कही है तो मुझे जब महसूस हुआ और जब मैंने जाना कि 5 सितंबर उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की भी जो शुरुआत हुई थी, ये उन्हीं के सुझाव पे हुई। उन्होंने खुद कहा था कि जब वो राष्ट्रपति बने थे और एक शिक्षक के रूप में उनकी पूरे देश में ख्याति थी, शिक्षक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, अभी आपको हमारे अपर मुख्य सचिव का या इस शिक्षक दिवस के रोज आप सबों को सम्मानित करने का एक मकसद यह भी होता है कि एक तो आपने अच्छा काम किया है। अभी आपने देखा एक एक जो आप 20 लोग हैं, दो तो राष्ट्रीय पुरस्कार पाए हैं, शर्मा जी और ना जी, और हमारे 18 लोग राज्य के पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हैं। सब लोगों ने पढ़ाने के क्रम में अलग अलग आपको बताया गया है, किसी ने नवाचार किया है, किसी ने ईमानदारी से पढ़ाई है, किसी ने आईटी का उपयोग किया है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें जो हैं, ये जान लीजिए कि ये वैसे नहीं हो सकती है। शिक्षक शिक्षा राधा कृष्णन ही कहते थे कि शिक्षक का काम या शिक्षक का दायित्व सिर्फ पाठ्यक्रम की चीज़ों को या उसके कंटेंट को, उसके विषय सूची को छात्रों के दिमाग में या जहन में डाल देना ही नहीं होता है। आज इनके जन्म दिवस पर आपको सम्मानित किया गया, वही कहते थे
शिक्षकों का दायित्व और कर्तव्य तो छात्रों को आने वाली जिंदगी की चुनौतियों का सही ढंग से सामना करने के लिए तैयार करना होता है। आप सोच लीजिए, जिनके द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई है, जिस पर आप सम्मानित हो रहे हैं, और हम राज्य के तमाम शिक्षकों से यही अनुरोध करना भी चाहते हैं, और आपको सम्मानित करने का मकसद भी यही होता है कि दूसरे हमारे शिक्षक भी प्रेरित हों, प्रेरणा ग्रहण करें कि आज आप हैं, कल वो हो सकते हैं। और भाई, हम लोग तो सरकार की तरफ से आश्वस्त हैं और पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि बिहार के शिक्षकों में न मेधा की कमी है, न योग्यता की कमी है, न दक्षता की कमी है, न ईमानदारी की कमी है। हम लोग सब लोग अगर मिल के एक समझिए कि अनुकूल शैक्षिक और शैक्षणिक माहौल बनाकर आप अपनी पूरे 100% को शिक्षण कार्य में देंगे तो निश्चित रूप से पूरा माहौल बदल जाएगा। और माहौल बदल भी रहा है, आप लोग के सम्मानित होने से ही इसका बहुत सकारात्मक असर जा। कैमूर भगवा, आप राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से चयनित हुए हैं और माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार सरकार के करम कमलों द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत हो रहे हैं। ताली बजती रहनी चाहिए। फोटोग्राफी साथ साथ चलती रहनी चाहिए, यह ऐतिहासिक पल है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के कर कमलों से पुरस्कृत हुए श्री हरिदास शर्मा जी, अब अनुरोध करेंगे कि श्रीमती चंदना दत्त शिक्षिका एस एस राठी गवर्नमेंट स्कूल राजनगर माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से तैयार की गई साल 15,000 रुपए की राशि का चेक, प्रशस्ति पत्र और बुके के साथ श्रीमती चंदना दत्त शिक्षिका सम्मानित हो रही हैं। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, श्रीमती निशी कुमारी शिक्षकों और अभिभावकों के बीच ICT के उपयोग से रुचिकर पढ़ाई कराने के लिए जानी जाती हैं। पहले से तैयारी करके लिस्ट के हिसाब से रखिए। इनके बाद धनंजय आचार्य हैं, तो विकास का क्षेत्र हो जिसमें इन्होंने छात्र छात्राओं के लिए कार्य न किया हो। विज्ञान में लेखन में बहुत ज्यादा अभिरुचि है। इनके द्वारा लिखे गए लेख कई स्तर पर प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने सदा ही छात्र छात्राओं के संपूर्ण विकास के लिए कार्य किया है। आपकी उपस्थिति बिहार के लिए एक गौरव गाथा बन रही है आजाद साहब, और आप हम सब के सबसे बड़े अभिभावक। आपने पठन पठान के अलावा छात्र छात्राओं के बीच स्काउट गाइड को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने विद्यालय में सहकामी क्रियाओं में आप मधुबनी से शिक्षिका हैं और ये अपने विद्यालय के आसपास के विद्यालयों में ई लाइब्रेरी विकसित करने के लिए इनका प्रयास सराहनीय है। ई लाइब्रेरी बहुत बड़ी बात, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी आपने स्थापित किया है। अगर आप लोग वहाँ से हट जाइए ना, वहाँ से हट जाइए, रास्ता वहाँ से हट जाइए, अपने किसी चले जाइए। बहुत ही रॉल मॉडल टीचर के रूप में है हमारे यहाँ। राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्साहवर्धक कार्य किया गया। शिक्षण क्षेत्र के अलावा खेल कूद संस्कृति कार्यक्रम एवं विज्ञान से जुड़े कार्यक्रमों में भी आपने सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए इतिहास गवाह बन रहा है ये हसीन मौके आपके साथ। 15,000 रुपए की राशि का चेक, प्रशस्ति पत्र, शॉप और बुके के द्वारा हमारे सबसे खेल कूद में प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। आप विद्यालय में छिजित बच्चों के लिए, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए सराहनीय कार्य करने के अलावा बालिका स्वच्छता के क्षेत्र में हेल्थ हाइजीन क्लीनेस आपने काफी रोल मॉडल का काम किया।